हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड सर्वेश राजपूत एक बार फिर से आ गया आपके साथ कुछ नया शेयर करने के लिए। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ बेहद ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट जेरेनियम के बारे में। अगर आपको ऐसे प्लांट पसंद है जिनमें गुच्छों में फ्लावर्स आते हैं तो आपके लिए जेरेनियम काफी अच्छा ऑप्शन है। इस प्लांट में आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर ऑप्शन भी मिल जाते हैं, तो जो भी कलर आपको पसंद हो वो कलर अपने गार्डन में ला करके आप लगा सकते हैं। बात करें अगर सीजन की, तो ये पौधा परमानेंट प्लांट है, बशर्ते आपके यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई न जाता हो। अगर आपके यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई जाता है तो इस प्लांट के चांसेस होते हैं कि गर्मियों में ये प्लांट मर जाए। अगर आपके यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई नहीं जाता है या फिर आप टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं, ग्रीन नेट वगैरह लगा देते हैं, तब आपके यहाँ पे ये प्लांट साल भर बड़े आराम से ग्रो कर सकता है। बात करें अगर प्रोपेगेशन की, तो इनको आप सीड्स के थ्रू विंटर में ग्रो कर सकते हैं। लगभग अक्टूबर नवंबर के महीने में इनको आप सीड्स के थ्रू ग्रो कर लें, बड़े आराम से ये प्लांट फरवरी तक फ्लावरिंग करना शुरू कर जाएंगे। या फिर आप इनको कटिंग के थ्रू भी ग्रो कर सकते हैं। आप इनकी कोई सॉफ्ट कटिंग ले लें और कटिंग को लेने के बाद इनको आप बड़े आराम से कोकोपीट या फिर सैंड में किसी में भी बड़े आराम से ग्रो कर सकते हैं कटिंग के थ्रू। बात करें अगर इनकी मिट्टी की, तो मैं इनकी मिट्टी बहुत ही मुलायम लेनी होती है आपको, बहुत ही सॉफ्ट लेनी होती है, तो जिसके लिए मैं इनमें एक भाग हमारे गार्डन की मिट्टी, एक भाग इसमें खाद, कोई भी खाद जो कि अच्छे से बनी हुई हो, एक भाग कोकोपीट और एक भाग बालू, तीनों को समान अनुपात में मिला करके इनका पॉटिंग मिक्स बनाता हूँ, जिससे इनकी जो इनकी मिट्टी है वो बहुत ही मुलायम रहती है और इसमें बड़े आराम से इनकी जड़ें फैल पाती हैं। बात करें अगर इनको पानी देने की, तो मौसम के हिसाब से अलग अलग समय हो सकता है। जब भी आपको इनका जो ऊपरी भाग है ये सूखा हुआ महसूस होने लगे, तब इनको उसके बाद इनको आप एक बार अच्छे से पानी दे दें। बहुत ज्यादा पानी से भर के मत रखें, जब भी आपको सूखा महसूस हो तभी आप इनको पानी दें। बहुत ज्यादा पानी भर के रखेंगे तो बहुत ही जल्दी ये प्लांट गलना शुरू होता है, क्योंकि इनकी जो ये पौधा जो होता है ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। अगर इनको आप ज्यादा पानी देंगे तो बहुत तेजी से गलना शुरू हो जाएगा। बात करें अगर पेस्ट अटैक की, तो बहुत ज्यादा कीड़ों का अटैक मुझे इस प्लांट पे देखने को नहीं मिलता है। कभी कभार इस पे एफिड्स और स्पाइडर माइट्स देखने को मिल जाता है, तो इससे बचने के लिए मैं लगभग 10 से 15 दिन के टाइम इंटरवल में थोड़ा सा नीम ऑयल जो है पानी में घोल करके इनकी पत्तियों पे उसका स्प्रे कर देता हूँ। तो इससे होता क्या है कि कीड़ों का अटैक होने ही नहीं पाता है, क्योंकि एक बार अगर आपके प्लांट पे कीड़ों का अटैक हो जाता है इनकी ग्रोथ रुक सी जाती है। तो कीड़ों के अटैक होने का वेट मत करें, आप लगभग 10 से 15 दिन के टाइम इंटरवल में एक बार अपने सभी प्लांट को, कोई भी प्लांट हो, सिर्फ जेरेनियम नहीं, कोई भी प्लांट हो, उसको एक बार अगर आप नीम ऑयल मिला करके पानी से स्प्रे कर देंगे तो किसी भी तरह के कीड़ा का अटैक होने ही नहीं पाएगा। इसके साथ ही साथ जो सूखी हुई पत्तियां हैं इनको आप कट करके हटाते रहें, क्योंकि ये पत्तियां जब सड़ना शुरू होती है तब भी कीड़ों का अटैक देखने को हमारे प्लांट में मिल जाता है। तो जो सूखी पत्तियां हैं, नीचे की पत्तियां हैं, इनको आप कट करके हटा दें, जिससे कि ये सड़ने ना पाए। लगातार फूल लेने के लिए आपको जैसे ही ये फूल सूखना शुरू हो जाए इसको यहाँ से कट करके हटा दें, काट करके हटा दें, क्योंकि अगर आप इनको रहने देंगे तो इसमें बीज बनने शुरू हो जाएंगे, तो आपके जो पौधे की ग्रोथ है वो बीज बनाने में लग जाती है। तो जैसे ही ये सूखना शुरू हो उसको काट करके हटा दें, इससे जो नए प्लांट है, जो नए फ्लावर्स है उनको ग्रोथ मिलती रहे। बात करें अगर फर्टिलाइजर की, तो फर्टिलाइजर के रूप में मैं इसमें डीएपी देता हूँ, और डीएपी के लगभग 10 से 15 दाने और 10 से 15 दिन के टाइम इंटरवल में किनारों पे हल्के से गड्ढे बना करके उसमें रख देता हूँ। तो जब भी इसको आप पानी देंगे तो धीरे धीरे गल करके आपके प्लांट को मिलता रहेगा। डीएपी पे मेरा डिटेल्ड वीडियो है, आप जाकर के देख सकते हैं। डीएपी में फास्फोरस बहुत ज्यादा होता है, जो कि किसी भी प्लांट में फूल और फल के लिए जिम्मेदार होता है। जब भी आपके पौधे का एक साल पूरा हो जाए तो आप ऊपरी मिट्टी को हटा करके वहां पे थोड़ी सी खाद मिला करके फिर से मिट्टी को भर दें, जिससे आपके प्लांट को एक लंबे समय तक जो जरूरी आवश्यक तत्व है वो उनको मिलता रहे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर भी आपका कोई जेरेनियम से जुड़ा हुआ सवाल है, सुझाव है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।